मंजिल। किस नोवेल पर बेस्ड है मंजिल की कहानी? 9 सॉन्ग्स रेडी होने के बाद भी कितने गाने रिकॉर्ड किए गए थे इस फिल्म में? कौन है हरिमती दुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिशा और आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। पुरानी फिल्मों का जादू अलग ही होता है। ऐसी ही एक फिल्म है मंजिल, जो 1936 में रिलीज हुई थी। BN सरकार के प्रोडक्शन हाउस न्यू थिएटर्स के अंडर बनी ये मूवी हिंदी और बंगाली लैंग्वेजेस में बनी थी। सरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई गृधात द इनफ्लेम हाउस नॉवल पर बनी इस मूवी को PC बरुआ ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में पृथ्वीराज कपूर, जमुना पहाड़ी सन्याल के साथ मोलिना देवी, केसी डे और बोकन चाटो अहम भूमिका में नजर आए थे। लव ट्रायंगल की स्टोरी पर बेस्ड इस मूवी की स्टोरी लाइन सिंपल और बहुत ही खूबसूरत है। फिल्म में दो चाइल्डहुड फ्रेंड्स महीम और सुरेश की कहानी बताई गई थी। सुरेश रिच फैमिली से बिलोंग करता था मगर वैल्यूज के मामले में कमजोर था। वहीं महीम पुअर था मगर वेल एजुकेटेड रहता था। इन दोनों दोस्तों को अचला से प्यार हो जाता है। अचला ब्रह्मो समाज के तौर तरीकों से पली बड़ी थी। हालांकि अचला भी दोनों ही दोस्तों को पसंद करती थी मगर उसने महीम के साथ मैरिज करने का डिसाइड किया और महीम के साथ विलेज में शिफ्ट हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये डिससैटिस्फाइड होने लगी। उनके घर के जलने के बाद महीम की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद सुरेश महीम की देखभाल करने आता था और महीम को हेल्थ रिजॉर्ट ले जाता था। इसी बीच अचला सुरेश से अट्रैक्ट हो जाती है, लेकिन बाद में वह महीम के पास वापस आ जाती है जब महीम उसे माफ कर देता है। इस कहानी में महीम का किरदार बंगाली सिनेमा के जाने माने एक्टर और सिंगर पहाड़ी सन्याल ने निभाया था। इंडियन सिनेमा के मशहूर एक्टर पृथ्वीराज कपूर ने फिल्म में सुरेश की भूमिका निभाई थी। इंडियन लीडिंग एक्ट्रेस जमुना बरुआ इस फिल्म में अचला के कैरेक्टर में नजर आई थी। इस फिल्म में RC बोरल और पंकज मलिक ने इस फिल्म में म्यूजिक दिया था। डायलॉग और लिरिक्स आरजू लखनवी और NT के फेवरेट अश्कर हुसैन ने लिखा था। इस फिल्म के लिए 9 सॉन्ग रेडी किए गए थे मगर सिर्फ 4 ही रिकॉर्ड हो पाए, जिसमें से 3 सॉन्ग हरिमती दुआ ने गाए और 1 पंकज मलिक ने। सिंगर हरिमती दुआ उस 3 सिंगर्स में से हैं जिन्होंने हिंदी फिल्म्स के लिए पहले प्लेबैक सॉन्ग गाए थे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताना ना भूलें। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी हर एक खबर के लिए करें हमारे बॉलीग्राड स्टूडियोज को। ये कहानी लिखी है मुस्कान गुप्ता ने। धन्यवाद।